कोई कहते हैं डोगरे ने लाज रख दो। मैं मन में सोचियो कि हाँ तो हमारे कंडल साहब से जो है सोनाराम जी फूटा नहीं है, हेमाराम जी के मैं हाथ फूटा तो नहीं है, पर चुनाव नहीं लड़ू बाल जी कागज फूटो ही तो बेगौती करते हैं। और बाल जी की उम्र हुई आज 65 साल और उबो होया जने मंच में तो जीतो बैठा कोई नहीं जीतो जोश नहीं हो जीतो जोश हो तो डबल इंजन की सरकार इन्हें बायतू में भी आपा बना ये जो काका भतीजा की जोड़ी है आ तो एक डबल इंजन है ही, लेकिन साथ ही साथ इन गाड़ी में दो डबल इंजन आज जो राज्य है। एक डबल इंजन तो कैलाश जीरो और बाल जीरो पहली है, तो दूसरा डबल इंजन किशोर जीरो और बाल जीरो है। कोई तो कैलाश जी और मैं दोनों जयपुर और जोधपुर हरियाद रस्ता में किशोर सर टेलीफोन है जो पहल के चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ियो उन टाइम हमारे साथ जो लोग हुआ वहां सबने वारी साक्षी में एक एक जो है एक पत्र माते मालोगा ने बात करनी और उनमें आपने गारंटर रूप में आपने उन कार्यक्रम में उपस्थित होने पर, लेकिन आज जिन कार्यक्रम में आने बाद में आप सब लोग जिन तरह भरोसा दे रहे हो और बाल जी आपकी बात में जिन तरह आप लोगों ने विश्वास दिलाया है, मैं आज इस मंच में खड़ो और आपने कहूं कि आप लोगों ने जीवन में कदी कोई कष्ट आवे कोई तरह का भेदभाव कोई करे जिनकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई भेदभाव हुआ कोई भी हुआ तो 24 घंटा 365 दिन मारा दरवाजा आपने वास्ते खुला है। देखो राजनीति का क्षेत्र में हमारे बाल जी कहता लोग सब बाल जी के वास्ते कहता है बाल जी काको फूट हो गया, कोई कहते हैं डोगरे ने लाज रख दो। मैं मन में सोचियो कि हाँ तो हमारे कंडल साहब से जो है सोनाराम जी फूटा नहीं है, हेमाराम जी के मैं हाथ फूटा तो नहीं है, पर चुनाव नहीं लड़ू बाल जी कागल फूटो ही तो बेगौती करते हैं। और बाल जी की उम्र हुई आज 65 साल और उबो होया जने मंच में जीतना बैठा कोई नहीं जीतो जोश नहीं हो जीतो जोश हो तो मैंने तो लागू कि कोई टावर बना में खुद अबकी डिक्लेयर कर दिया। तो कुल मिलाकर बाल जी रहना आपने भेड़ा बोड़ा 20 साल मिले थे आप सब एक बात ही मिनट मत भरोसा कर सका। पिछला चुनाव की परिस्थिति अलग ही, लेकिन पिछला चुनाव में जो गलती आपने कठे भी हुई बायतू में भी कहीं कोई कारण कोई कमी कमजोरी रहेगी और इन तरह राजस्थान का घने तरह विधानसभा में कोई कोई लोग भावना में गए कोई तरह का निर्णय आपने कर लिया उन परिस्थितियों का खामिया जो पिछला 5 साल तक राजस्थान की आपने तो भुगतना पड़े ही है, राजस्थान का 8 करोड़ लोगों ने भुगतना पड़े आज जिन तरह की परिस्थिति और हालात राजस्थान में बने हैं उन्हें जिम्मेदार बेशक कांग्रेस सरकार है। राजस्थान में जिन तरह का भ्रष्टाचार हुए उन्हें जिम्मेदार निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का विधायक है। राजस्थान में जिन तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ किसानों के साथ धोखा हुआ राजस्थान में पेपर लीक हुआ और इस सबकी जिम्मेदारी और इन विफलता का कारण कांग्रेस सरकार है आ सब आप जाना, लेकिन गहराई में जहां देखा तो जो मोदी जी ने आप एक वोट दियो सही जगह माते दियो राम जी का मंदिर बन गयो 370 खत्म होगी हर घर में बिजली पहुंचगी हर घर में शौचालय बन गया हर घर में बैंक रो खातों खुल गयो हर किसान ने किसान सम्मान निधि मिलन लगी हर जो है गांव में आज घर घर तक पानी पहुंचाने का काम चल रही है, लेकिन एक वोट आप गड़बड़ दियो उनका परिणाम हो कि राजस्थान में आज आप दुर्दशा राजस्थान भी हुई और आपानी भी हुई और अब की बार क्योंकि आप सब बड़ी विचारी है और आपस सब बड़ी विचार एक और अब की बार फैसलो करिए कि अब की बार इन बायतू में जो पिछली बार कमी कसर कमजोरी कठिन भी रहेगी उन कमी कसर ने पूरी करा। हम सब जना नारो लगा था टावर मारे सारा नारो लगा था कि साहब बाल जी आप संघर्ष करो संघर्ष बाल जी नहीं करो संघर्ष तो आप लोग करो हाल तो पे बाल जी आपने वास्ते संघर्ष विधानसभा में जाओ और सरकार में जा रहा आपने वास्ते संघर्ष करो अब आज संघर्ष करो ना टाइम बालाराम जीरो नहीं है
अपार संघर्ष करने टाइम आपा जितना कार्यकर्ता बैठा अपारो संघर्ष करने टाइम और कार्यकर्ता अगर संघर्ष करे और उनने बाद में कार्यकर्ता ने जीतन ने बाद में कार्यकर्ता ने वास्ते अगर जनप्रतिनिधि संघर्ष करे तो उन जनप्रतिनिधि ने कोई आदमी हटा नहीं सके कोई आदमी हरा नहीं सके। अपन एटे सामान्य आपे जब चुनावी गणित शुरू करा जरा जाति रा वोट जोड़े चुनावी गणित शुरू करा मैं आपने बहुत सारा उदाहरण दे सकू बारे जाने की जरूरत नहीं है। शक्ति सिंह जी परिहार अपने मंच में बैठा ए डोडा विधानसभा चुनाव लड़े और 60% तो ज्यादा मतदाता तो मुसलमान है। अब कश्मीर में जिन तरह की स्थिति है कश्मीर में जिन तरह हिंदू मुसलमान के बीच में भेद है और उन 40% जो बचोड़ा विधानसभा में भी जो मतदाता है उनमें भी आनी जाति समाज रहा राजपूत रहा मतदाता तो कोई आंगले में तो गिने जीतता है पर फिर भी लगातार आदमी विधायक बन रहे इनो कारण है कि सबने साथ है जो रामजी की तस्वीर दी है उनने हिसाब सबने साथ लेर बहवे सबने साथ ले चले सबरे सुख दुख की चिंता करे सबरे साथ न्याय करे कोई रे साथ अन्याय नहीं करे उन आदमी ने कदई जो है कोई भी नहीं हरा सकता। इन वास्ते और जो चुनाव रे वास्ते अपार संघर्ष करने काम जो है वो काम अपन और सब कार्यकर्ताओं है अपन अठे बायतू में भी अपने पड़ोस में शिवाना में भी और पूरा राजस्थान में जटे अपना संपर्क संघर्ष रिश्तेदारी है सब जगह आप भारतीय जनता पार्टी ने विजयी बनाने वास्ते आप सब जना काम करा। भारत में एक बात सब लोग बार बार करिया करें कि डबल इंजन की सरकार बना तो आ डबल इंजन की सरकार जो है वह राजस्थान में तो आप भारतीय जनता पार्टी ने जितार बनावा ही लेकिन डबल इंजन की सरकार इतने बायतू में भी आप बना ये जो काका भतीजा की जोड़ी है आ तो एक डबल इंजन है ही लेकिन साथ ही साथ इन गाड़ी में दो डबल इंजन आज जो लाग गए एक डबल इंजन तो कैलाश जीरो और बाल जीरो पहली है तो दूसरा डबल इंजन किशोर जीरो और बाल जीरो कोई जीरो तो कैलाश जीरो है और किशोर जीरो बीच में एक बालाराम जी हमें आ गया है तो हमें तो मन लागे गए तो तीन इंजन की सरकार बन गई तो तीन इंजन की जो है ताकत अब की बार इन बायतू में एक नयो इतिहास बना बायतू ने भ्रष्टाचार और बायतू ने डर और आतंक रसाया मुक्त करने वास्ते काम कर जिन तरह के हालात है मैं पूरा भरोसा रे साथे कह रही हूँ और मैं कोई बीतवा तो लिखे हो जो पढ़ सको कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली पूरा राजस्थान में मैंने पिछला एक डेढ़ महीना में प्रवास करने सौभाग्य मिले पूरा राजस्थान में इन तरह मानस है अब की बार कि अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना और इनका जो है कुराज ने समाप्त करने लोग मन बना लिया तो हमके बायतू में भी अपनो विधायक हकरो पूरा दमदार चुनाव लड़न वालों और दमदार अपनी पैरवी करने वालों तो बाल जी काकू हमारे ऊपर और जोर बोलिया में ठा पड़गी आदमी काकू पैरवी तो दमदार कर सके तो आप लोग सब आने वास्ते पूरी मेहनत कर दो पूरा संघर्ष कर दो